हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से कुल 513 नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसियां निकाली हैं और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टीजमेंट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने इन सभी 513 वैकेंसियों को 27 अलग अलग कैटेगरियों में बांटा हुआ है। यहाँ सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा में कैंडिडेट के मिनिमम 50% नंबर एग्रीगेट आए हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कुल यहाँ पे 39 वैकेंसियां निकाली हैं। इस पोस्ट पे जो कैंडिडेट की अपर एज लिमिट रखी गई है वो 25 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट पे कैंडिडेट का कोई भी एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे नहीं मांगा गया। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और डिप्लोमा के दौरान कैंडिडेट के 50% नंबर एग्रीगेट आए हैं, तो यहाँ पे वो सभी कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ जो कुल वैकेंसियां रखी गई हैं वो 21 रखी गई हैं और कैंडिडेट की अपर एज लिमिट यहाँ पे 25 साल रखी गई है। तीसरी कैटेगरी में जो वैकेंसियां रखी गई हैं वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए रखी गई हैं। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और कैंडिडेट के डिप्लोमा के दौरान 50% नंबर अगर आए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कुल इस पोस्ट के लिए 15 वैकेंसियां रखी गई हैं, 25 साल तक की एज लिमिट यहाँ इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए रखी गई है। चौथी कैटेगरी में रखी गई है वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में और कैंडिडेट के डिप्लोमा के दौरान 50% नंबर आए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 15 वैकेंसियां रखी गई हैं और यहाँ जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 25 साल रखी गई है। पांचवी कैटेगरी में जो वैकेंसी रखी गई है वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट अमोनिया के लिए रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में और कैंडिडेट के यहाँ पे डिप्लोमा में 50% मिनिमम नंबर आए हो। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट अमोनिया की यहाँ पे कुल 30 वैकेंसियां रखी गई है। इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है और यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम कैंडिडेट से मांगा गया है। छठी कैटेगरी में जो वैकेंसी रखी है वो रखी गई है इंजीनियर असिस्टेंट अमोनिया के लिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा के दौरान कैंडिडेट के 50% नंबर आए हो। इस पोस्ट पे जो वैकेंसियां रखी गई हैं वो कुल 45 वैकेंसियां रखी गई हैं। यहाँ जो कैंडिडेट की अपर एज लिमिट है वो 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट से यहाँ पे 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। सातवीं कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट यूरिया के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा में कैंडिडेट के 50% नंबर आए हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए कुल 15 वैकेंसियां फिक्स रखी गई हैं। यहाँ कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है और कैंडिडेट से जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 5 साल का मांगा गया है। आठवीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे इंजीनियर असिस्टेंट यूरिया के लिए। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में और कैंडिडेट के यहाँ पे 50% नंबर आए हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इंजीनियर असिस्टेंट यूरिया की कैटेगरी के लिए कुल 30 वैकेंसियां रखी गई है, 35 साल तक की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है और पोस्ट क्वालिफिकेशन 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट से जो है मांगा गया है। नौवीं कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ऑफसाइट एंड यूटिलिटीज की। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा हो और कैंडिडेट के डिप्लोमा में 50% नंबर अगर आए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की कुल 15 वैकेंसियां फिक्स रखी गई हैं, अपर एज लिमिट यहाँ 30 साल रखी गई है और इस पोस्ट के लिए भी कुल 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया है। दसवीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे इंजीनियर असिस्टेंट ऑफसाइट एंड यूटिलिटीज की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा हो और डिप्लोमा में 50% नंबर कैंडिडेट के आए हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 30 वैकेंसियां फिक्स रखी गई हैं, अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 साल रखी गई है और 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्यारहवीं कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा में कैंडिडेट के 50% नंबर आए हैं, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 33 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। यहाँ आपकी अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है और कैंडिडेट का 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ कैंडिडेट से मांगा गया है।
बारहवीं कैटेगरी में वैकेंसी है इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा में कैंडिडेट के 50% नंबर आए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 36 सीटें रिजर्व रखी गई है। 35 साल तक की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और 10 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट से यहाँ पे मांगा गया है। 13वीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और कैंडिडेट के डिप्लोमा में 50% नंबर आए हैं तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए कुल 21 सीटें रिजर्व रखी गई है। कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है और यहाँ 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया है। 14वीं कैटेगरी में वैकेंसी है इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल्स में या फिर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और कैंडिडेट के डिप्लोमा में 50% नंबर अगर आए हैं तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इस कैटेगरी की वैकेंसियों के लिए एलिजिबल है और इस पोस्ट के लिए कुल 18 वैकेंसियां रखी गई है। यहाँ की जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो 35 साल रहेगी और इस पोस्ट पे जो कैंडिडेट का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया है। 15वीं कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में और कैंडिडेट के डिप्लोमा में 50% नंबर अगर यहाँ पे आए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए कुल 24 वैकेंसियां रखी गई हैं। कैंडिडेट की अपर एज लिमिट यहाँ 30 साल रखी गई है और कैंडिडेट से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। 16वीं कैटेगरी में वैकेंसी है इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में और कैंडिडेट के डिप्लोमा के दौरान यहाँ 50% नंबर अगर आए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 24 वैकेंसियां रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 35 साल रखी गई है और 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 17वीं कैटेगरी में वैकेंसियां यहाँ पे जूनियर स्टोर असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से और कैंडिडेट के डिग्री के दौरान यहाँ 50% नंबर आए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए कुल 3 सीटें रिजर्व रखी गई है। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट जो मांगी गई है वो 30 साल रखी गई है और कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो यहाँ पे 5 साल का मांगा गया है। 18वीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट फर्स्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और कैंडिडेट के डिग्री के दौरान 50% नंबर आए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 6 वैकेंसियां रिजर्व रखी गई है। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 रखी गई है और इस पोस्ट पे कैंडिडेट का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 10 साल के लिए मांगा गया है। 19वीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट सेकंड के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखी हो और कैंडिडेट के डिग्री के दौरान 50% नंबर अगर आए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 3 वैकेंसियां रखी गई हैं। 40 साल तक की आपकी एज लिमिट रखी गई है और कैंडिडेट से जो क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 15 साल का मांगा गया है। 20वीं कैटेगरी में वैकेंसी यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीकॉम कर रखी हो और बीकॉम के डिग्री के दौरान कैंडिडेट के 50% नंबर मिनिमम आए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 6 वैकेंसियां रखी गई हैं। इस पोस्ट पे जो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे 5 साल का मांगा गया है। 21वीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीकॉम कर रखी है और बीकॉम में कैंडिडेट के 50% नंबर आए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 6 वैकेंसियां रखी गई हैं। 35 साल तक की एज लिमिट रखी गई है और कैंडिडेट से जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 10 साल का मांगा गया है। 22वीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा के दौरान कैंडिडेट के 50% नंबर अगर आए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए कुल 15 वैकेंसियां रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 30 रखी गई है और 5 साल का क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस मांगा गया है। 23वीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे इंजीनियर असिस्टेंट यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा में कैंडिडेट के कुल 50% नंबर मिनिमम आए हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए कुल 15 वैकेंसियां जो है वो फिक्स रखी गई है और इस पोस्ट पे जो कैंडिडेट की अपर एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल रखी गई है। 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट से यहाँ पे मांगा गया है। 24वीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे जूनियर लैब असिस्टेंट एनवायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी इन केमिस्ट्री कर रखी है और कैंडिडेट के डिग्री के दौरान 50% नंबर अगर यहाँ पे आए हैं
तो आप इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट पे कैंडिडेट के लिए 18 वैकेंसियां रखी गई हैं। कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है और 5 साल का क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस मांगा गया है। 25वीं कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे लैब असिस्टेंट एनवायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री कर रखी है और डिग्री के दौरान यहाँ 50% नंबर मिनिमम कैंडिडेट के आए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए कुल 18 वैकेंसियां रखी गई हैं, 35 साल तक की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया है। 26वीं कैटेगरी में वैकेंसी यहाँ पे जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट की, इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कर रखी है और कैंडिडेट के डिग्री के दौरान 50% नंबर आए हैं तो आप यहाँ पे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और इस पोस्ट के लिए कुल 6 सीटें रखी गई हैं। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल रखी गई है और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया है। और सबसे लास्ट 27वीं कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो है क्वालिटी असिस्टेंट की, इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर रखी है और कैंडिडेट के डिग्री के दौरान 50% नंबर अगर आए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए जो कुल सीटें रखी हैं वो 6 सीटें रखी हैं। यहाँ जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो 35 साल रहेगी और यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया है। और यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट पे कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन, उसकी एज और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा। उसके लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 31 मार्च 2021 रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट के रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन को जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी में जो रेम्यूनरेशन दिया गया है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए दिया गया है, जिस कैटेगरी में कैंडिडेट से कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। यानी फ्रेशर की कैटेगरी में जो कैंडिडेट का सीटीसी रहेगा पर एनम वो 3 लाख रुपए होगा और जिन कैटेगरीज में कैंडिडेट से मिनिमम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है उनका जो एवरेज सीटीसी रहता है वो 4,10,000 रुपए पर एनम रहता है। और जिन कैटेगरी में कैंडिडेट से मिनिमम 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वहां जो आपका एवरेज सीटीसी रहता है पर एनम वो 4,90,000 रुपए रहता है। और जिन कैटेगरी की पोस्ट के लिए कैंडिडेट से मिनिमम 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है उनका एवरेज सीटीसी जो पर एनम रहता है वो 5,80,000 रुपए रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की। इन सभी 513 वैकेंसियों पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 2 फेजेस के एग्जाम के बाद होगा। कैंडिडेट का पहली स्टेज में जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और सेकेंड स्टेज में कैंडिडेट का जो है वो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट के जो है वो दोनों ही टेस्ट के नंबर यहाँ कंसिडर किए जाएंगे। यानी आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके प्लस में जो कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा उसके, इन दोनों ही टेस्ट के नंबर जो है फाइनल सिलेक्शन में काउंट किए जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तो ये टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इस पेपर को करने के लिए कैंडिडेट को कुल 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें जो भी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उसके क्वेश्चन, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन यहाँ कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के यहाँ पे जो है वो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन यहाँ पे जो होगा वो 1 नंबर का होगा और यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कैंडिडेट से ये पेपर पूछा जाएगा। और यहाँ इन्होंने इस नोटिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, कैंडिडेट को ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए हमेशा रेडी रखनी होगी। तो इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दोस्तों बात करें अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की तो इन सभी 513 वैकेंसियों पे जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 300 रुपए रखी गई है। यहाँ दोस्तों इन सभी 513 नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसियों पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अगस्त 2021 से शुरू हो चुकी हैं और आप 16 अगस्त 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।